ये निडलेस बनाने के लिए मैंने क्रोशे का सिल्क थ्रेड लिया है। इसे सबसे पहले प्रिपेयर कर दिया है। आप बिगिनर हैं तो कॉटन थ्रेड ले सकते हैं, एंकर का थ्रेड ले सकते हैं। ये थर्ड बेसिक स्टिच है, इसमें हम ट्रायंगल बनाना सीखेंगे। सेकंड बेसिक स्टिच में हमने छोटा ट्रायंगल बनाना सीखे थे, इसमें बड़े ट्रायंगल से, थर्ड नंबर के ट्रायंगल से हम एक लेस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले थ्रेड अटैच करेंगे, वन स्पेस बनाएंगे। तो इसके लिए राइट साइड में लूप को रखा है और इस तरह से निडल को निकाल देंगे। अब ये जो स्पेस बनाई है इसमें इंसर्ट करेंगे निडल को और टू टर्न लेंगे इस तरह से और पिकॉट बनाएंगे। अब सेम स्पेस में इस तरह से हमने निडल को इंसर्ट किया ये सेम स्पेस में और राइट साइड में रखा है थ्रेड को अपने। अब ये जब लूप क्लोज होने वाला है तो इसे उठाकर इसके ऊपर डाल दिया जाता है, इस तरह से रखा जाता है, और ये जो अटैच थ्रेड है इसे होल्ड किया जाता है पिकॉट बनाने के लिए इस तरह से। इस तरह से भी होल्ड कर सकते हैं या हाथ से भी पकड़ सकते हैं और ऊपर से पुल करते हुए इसे लॉक करेंगे। अब सेकंड स्पेस बनाएंगे इसी के ही पास, राइट साइड में थ्रेड रखते हुए। अब ये जो स्पेस बनाए हैं हमने इसमें इस तरह से निडल को रखते हुए टू टर्न लेंगे और बुलियन स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब ये जो पिकॉट हमने बनाया है, फर्स्ट पिकॉट, इसमें हमें इस तरह से निडल को इंसर्ट करना है और ये थ्रेड को इसके ऊपर लेके टू टर्न्स लगाने हैं और दोनों को मिलाते हुए पिकॉट बनाना है, बुलियन स्टिच बनानी है ताकि ट्रायंगल का शेप आ जाए इस तरह से। अब इसके ऊपर पिकॉट बनाएंगे। तो पिकॉट बनाने के लिए जो स्पेस है इसके नीचे ही है, इसमें इस तरह से इंसर्ट किए निडल को, ये लूप बनाते हुए इस तरह से इसके ऊपर लेके आएंगे इसे लूप को। और इस तरह से होल्ड करेंगे और टॉप पे पिकॉट बना देंगे। ये स्मॉल ट्रायंगल बन रहा है हमारा। अब इसके लिए अभी राइट साइड में इस तरह से थ्रेड रखा है और ये जो बॉटम में जो स्पेस है इस तरह से इसमें मैंने निडल को इंसर्ट किया और राइट साइड में लूप रखा और एक सिंगल स्टिच बनाया इस तरह से। अब इसे भी अटैच कर देंगे। तो इसके लिए अटैच करने के लिए इसे राइट साइड में रखा जाता है इस तरह से। ये सेकंड बेसिक स्टिच का ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। अब हमें इससे थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल बनाना है, थर्ड बेसिक स्टिच। तो इसके लिए हमें ये जो मिडिल में जो ये पहले जो अभी ये स्पेस बनी है सबसे पहले इसमें वर्क करेंगे, फिर मिडिल की स्पेस में वर्क करेंगे, फिर टॉप के पिकॉट में वर्क करेंगे। थ्री स्पेसेस में हमें काम करना है। तो ये जो स्पेस अटैच किए थे इसमें इंसर्ट करेंगे, टू टर्न लेंगे इस तरह से। अब मिडिल के स्पेस में इंसर्ट करके बूलियन स्टिच बनाएंगे, टू लूप्स इस तरह से। ग्रेजुअली सबसे अटैच करते हुए ऊपर जाएंगे
अब जो पिकॉट है टॉप पे ट्रायंगल का, इसमें हुक को इंसर्ट, निडल को इंसर्ट करेंगे, टू टर्न लेंगे, इस तरह से। अब ये जो हमने बुलियन स्टिच बनाया, जो इसके नीचे जो स्पेस है, इसके ऊपर, इसके अंदर निडल को इंसर्ट करके इसके टॉप पे पिकॉट बना देंगे। इस तरह से। अब राइट साइड में रखते हुए हमें नीचे आते जाना है, तो ये पहले पिकॉट बनाए, अब ये मिडिल की स्पेस में जाएंगे। और राइट साइड में मैंने थ्रेड रखा है, और इसे अटैच करते हुए ग्रेजुअली नीचे आते रहेंगे। फिर से राइट साइड में रखा मैंने थ्रेड को। अब ये जो हमें ये सेकंड स्टिच जो दिखाई दे रहा है, इसमें इस तरह से अब इसे, ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है, राइट साइड में रखते हुए इसे अटैच कर देंगे। तो इस तरह से थर्ड नंबर का ट्रायंगल बनाया जाता है, और इससे ब्यूटीफुल लेस बना सकते हैं। तो अब मैं सेम फॉलो करते जाऊंगी और बनाऊंगी। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब न्यू स्पेस बनाकर हमें फिर से ट्रायंगल सेम बनाना है, तो सेम स्टेप रिपीट करते हुए सेकंड ट्रायंगल बनाएंगे।
तो इस तरह से सेकेंड ट्राइंगल भी कंप्लीट हो गया। सेम रिपीट करते हुए ये लेस को कंप्लीट करेंगे।